आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। माऊ तहसील के माऊ गांव में स्थित अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रावास के छात्रों ने देर शाम लगभग 8 बजे हॉस्टल में हंगामा कर दिया। छात्रों का कहना था कि वार्डन संजय ठाकुर आए दिन उनके साथ मारना पीटना गाली गलौज करता है। छात्रों के अनुसार हद तो तब हो गई जब एक 9 साल के छात्र यशवंत मोरे को एक रोटी ज्यादा खाने पर वार्डन संजय ठाकुर द्वारा छात्र की पिटाई कर दी। पीड़ित बच्चों ने जब अपने माता पिता और परिजन को गांव से हॉस्टल में बुलाया तब परिजनों के अनुसार वार्डन ने उनके साथ भी बदतमीजी करी। छात्र ओम प्रकाश भूरिया ने बताया कि उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो घर जाना चाहता था, जिस पर हॉस्टल अधीक्षक संजय ठाकुर ने उसे रुकने को कहा। छात्र के घर जाने की जिद को लेकर संजय ठाकुर ने उसे कमरे में बंद करके मारा। बच्चों के पालक प्रेम सिंह भूरिया, जो कि मौके पर मौजूद थे, बताया कि हॉस्टल में काम करने वाला कर्मचारी दीपक मोरे ने हमारे बच्चे को पीटा और वो पिछले कई दिनों से इसी तरह की हरकत कर रहा है। हमारी टीम ने जब बच्चों के कहने पर भोजन और जगह का निरीक्षण किया तो हमें भोजन में और लैटरिन बाथरूम साफ सफाई कुर्सी टेबल को लेकर हमें काफी अनियमितता दिखाई दी। वहीं हॉस्टल अधीक्षक संजय ठाकुर का कहना था कि बच्चों पर करने के कारण या मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। घटना घटित होने के बाद भलाई समाज के प्रदेश अध्यक्ष संजय सोलंकी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष बीरबल डाबर भी मौके पर पहुंचे और तहसीलदार अभिषेक शर्मा से बात कर तुरंत कार्रवाई करने की बात कही। क्या हुआ बेटा आपके साथ? मैं सुबह स्कूल जाने के टाइम पर सर मैं खाना खा रहा था तो मैंने जल्दी में लेट हो रहा था तो मैंने खाना कम खाया था और फिर नाश्ता भी सुबह थोड़ा लेट मिला था तो फिर सर मेरे को भूख लगी थी, मैंने थोड़ा सा नाश्ता करके मैं स्कूल निकल गया। फिर उसके बाद में मेरा आने के बाद मेरे को सब मेरे काम करने थे सर, कपड़े धोने थे, फिर होमवर्क करना था स्कूल का और बहुत सारा होमवर्क भी दिया था, कपड़े भी धोने थे और बाकी काम भी करना था। तो मैंने भी नाश्ता थोड़ा सा हड़बड़ी में कर लिया और फिर मैंने सब काम कर लिया और काम करने के बाद फिर ये खाना खिलाया तो रोज की तरह मैंने 3 रोटी खाई। उसके बाद सर मेरे को सुबह की भूख रही थी तो मैंने आंटी उनको बोला कि एक रोटी और चाहिए तो रोटियां भैया उनको भी कम पड़ रही थी, उन्होंने भी नहीं खाया तो सर मैंने एक रोटी ज़्यादा खा ली तो सर मेरे को मारा सर और बोला कि तेरे बाप को बुलाना छुट्टी के लिए और तेरे को छुट्टी नहीं दूंगा। यूँ बोले संजय ठाकुर सर ने। तो ये पहले भी ऐसा करते थे कि आज ही इसी बार करा? पहले भी करा जाता था सर, मेरा तो फर्स्ट साल है सर। दो बच्चों को और किया सर, इसको मारा। ये भी हॉस्टल में ये क्या मामला हुआ है आज? ये अपने यहाँ पर पूरे SC ST दो ही बच्चे पढ़ते हैं तो यहाँ के जो अधीक्षक है ये आए दिन यहाँ की जो घटना होती रहती है, बच्चों मेरे पास शिकायत आती रहती है कि ये सर जो है ढंग से खाना भी नहीं देते हैं और गाली गुप्ता करते हैं, मारकूट करते हैं। तो मैंने फिर भी उस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया कि चलो बच्चे हो सकता है कोई दूसरी नाराज़गी हो, पर आज तो यहाँ तक बात आ गई कि बच्चे को मारा है उन्होंने। हमने सुना है कि किसी बच्चे को एक रोटी ज़्यादा खाने पर भी कुछ दिक्कतें हुई? हाँ, वो दिक्कतें हुई ना, यहाँ तक कि वो नमक की जो डिब्बियाँ देते हैं बोले मेरे जेब से दे रहा हूँ, क्या सरकार खाना नहीं दे रही क्या? पूरा पैसा इन पर खर्च कर रही सरकार, तो ये कहाँ से दे रहे, अपने जेब से दे रहे क्या? बच्चों का कहना है कि ये अधीक्षक हमारे लिए नहीं होना, नहीं तो ये अगर नहीं जाएंगे तो हम घर चले जाएंगे। तो हमने उनको आश्वासन दिया है, तहसीलदार जी से बात हो गई कि सुबह उनको हटा दिया जाएगा। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे थोड़ी है कि ये अपनी दबंगाई दिखाए के लोगों को परेशान करते, वो तो ठीक है, बच्चों को हॉस्टल के अंदर। बीरबल डावर, जनपद उपाध्यक्ष, महू। क्या घटना हुई आपके? सर मेरे साथ में मेरी तबीयत ख़राब है 3 दिन से और मैं सर को बोला था मैंने कि सर मैं घर जा रहा हूँ, ठाकुर सर, संजय ठाकुर सर। क्या है वो यहाँ पर? वो यहाँ पे अधीक्षक है और उनको मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और मैं साइकिल से आ रहा था और मेरे साथ में जो आया था वो मेरी साइकिल चला के लेके आया, फिर मैंने सर को फ़ोन लगाया, सर ने बोला कि मैं आ रहा हूँ अभी, मैंने सर को बोला सर मैं घर जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और उल्टी आ रही है मेरे को, तो सर ने बोला कि रुक जाना अभी और फिर मैं यहाँ से निकल गया। मेरे भाई 3:40 में यहाँ पे आ गए थे और सर फिर 4:30 बजे आए यहाँ पे, फिर मैंने वो सोचा कि सर पता नहीं कब आएंगे और मेरे भाई ने सुबह से रोटी नहीं खाई थी दोनों ने। हाँ सर, तो सर ने फिर मेरे रास्ते में मेरे को रोका सर ने और गाली दी कि मादरचोद तू कैसे आ गए यहाँ पे बिना पूछे, और फिर सर मेरे को हॉस्टल में ला के दरवाज़ा लगा दिया और मारने लग गए मेरे को। कहाँ मारा सर? ये गला भी दबाया मेरा और एक यहाँ पे भी दी सर और
और बोलते कि बाल भी पकड़े मेरे और गला भी दबाया कि तो ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है या सर और भी बच्चों के साथ में हुआ है सर? हमको सर हेलो धमकी मिलते हैं सर कि हम अगर कुछ भी बोले ना रोटी खाने का कुछ भी तो हमको बोलते हैं कि बोले कि तुम बोलोगे ना तो तुमको हॉस्टल से निकाल देंगे। और सर हमको हर रोज यही बात मिलती है कि तुमको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अर्जुन परमार। मेरा नाम ओम प्रकाश भूरिया। ये बच्चे को नहीं सर अभी तो शिकायत नहीं की है। सर चिल्लाते और हाँ सर और हमने और सर मेरे भाई मेरे को मार रहे थे और ये इससे सुनो ये इसका भाई है इसको लेने आया था मेरा सर गला दबाया मैं लेने आया मेरे भाई को तो सर नहीं नाम क्या सर लेने आए हाँ ये लेने संजय ठाकुर संजय ठाकुर सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीलेश। कहाँ से आए हैं आप? पांडुबान। किसको लेने आए थे? ओम प्रकाश जी को। इसलिए चल रहे होंगे ये दूर दूर से गांव बड़े आते हैं। सुनिए मेरी बात, व्यवस्थाएं नहीं है घर पे, अभाव में। सुनो आप।